Hi friends, welcome back to my channel. My name is Chandan और आप लोग को इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे हम लोग VM साइज चेंज करते हैं. ठीक है, अगर आप पे VM साइज चेंज करना चाहते हो तो कैसे करोगे. ठीक है, इसमें इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ सीखेंगे. तो ये रिकमेंडेड है कि जब भी आप VM का साइज आप चेंज करने जा रहे हो तो आप भी एम को शट डाउन कर दो. बट रिसेंटली कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने अपडेट किया है और आप लाइव ऑन द फ्लाई VM साइज चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो अगर सपोज कर लो, कई बार क्या होता है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है शट डाउन करने का कि जैसे आपका कई बार एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकता है अगर आप ऑन द फ्लाई कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए या फिर आपका सो बेटर वे तो रिकमेंडेड डेट स्टॉप एंड देन रीसाइज. ओके, एंड समटाइम क्या होता है कि आपको कुछ साइजेस नहीं यहाँ पे शो होगे जब तक आप VM को स्टॉप नहीं करोगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे डी सीरीज, बी सीरीज, ए सीरीज, ये सारे शो हो रहे हैं ना, वो नहीं शो होंगे. जब आप स्टॉप करोगे तो आपको शो होंगे. तो इस वजह से भी स्टॉप करके ही साइज को चेंज करना रिकमेंडेड है और एक बेटर वे है. आप ऑन द फ्लाई भी कर सकते हैं, आप टेस्टिंग में ऑन द फ्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट अगर प्रोडक्शन है तो इट्स गुड टू स्टॉप एंड देन रिसाइज द VM. ओके, तो अगर सपोज कर लो यहाँ पे मैं इस VM का साइज चेंज करना चाहता हूँ, ये लिनक्स VM है. ठीक है, इसका मैं साइज चेंज करूँ. अभी ए बी एम ऑलरेडी स्टॉप टेस्टेड में है, इसका साइज है B2MS 2 core 8 GB मेमोरी. ठीक है, आप साइज चेंज करना है तो आप जस्ट क्लिक ऑन साइज. ठीक है, इसके बाद आप सिलेक्ट कर लो कोई सा भी साइज सिलेक्ट कर लो, B1S. ठीक है, मैं ये साइज सिलेक्ट करता हूँ. आप सिलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन रीसाइज. ओके, या रिसाइज डन. जस्ट आप ओवरव्यू पे जाओ. ठीक है, रिफ्रेश करो, आप देख सकते हो यहाँ इस VM का साइज चेंज हो गया. तो आप जस्ट ये है प्रोसेस रिसाइज करने के लिए. आप जस्ट स्टार्ट करके लॉगिन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. सो इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम लोग रिसाइज कर सकते हैं साइज को VM साइज ऑन एजर क्लाउड और क्या रिकमेंडेड है. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल लर्न. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सो थैंक यू गाइज़.